एजेंडे को बड़ी रफ्तार मिली है और आरएसएस ने 90 साल पहले जिस मिशन 13 की शुरुआत की थी उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। आप में से बहुत से लोगों को आरएसएस के मिशन 13 के बारे में पता ना होगा। ये आरएसएस का एक गुप्त मिशन है जिसके तहत भारत में इन 13 नियमों को लागू किया जाना है। आइए एक नजर डालते हैं आरएसएस के इस मिशन 13 पर। मिशन नंबर 1, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। मिशन नंबर 2, तिरंगा झंडा मनहूस है, इसकी जगह भगवा झंडा को मान्यता दी जाए। मिशन नंबर 3, भारत पर सिर्फ हिंदुओं का अधिकार है, मुसलमानों को अरब भेज दिया जाए। मिशन नंबर 4, भारत के संविधान को बदलकर मनुस्मृति का कानून लागू किया जाए ताकि राम राज्य स्थापित हो सके। मिशन नंबर 5, महात्मा गांधी की जगह नाथूराम गोडसे को देश का राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। मिशन नंबर 6, आरक्षण को खत्म कर वर्ण व्यवस्था को शुरू किया जाए ताकि दलितों को फिर से अछूत बनाया जा सके। मिशन नंबर 7, स्पेन की तरह सभी मस्जिदों और मदरसों को मंदिरों में तब्दील कर दिया जाए। मिशन नंबर 8, भारत की सत्ता एक ब्राह्मण के हाथ में होनी चाहिए, अछूत लोग देश के लिए अशुभ है। मिशन नंबर 9, सिख और आदिवासी समाज को हिंदू धर्म स्वीकार करने पर मजबूर किया जाए, इनकार करने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मिशन नंबर 10, ब्राह्मण भगवान का रूप होता है, ऐसा नियम बनाया जाए जिससे ब्राह्मणों को कभी सजा ना हो। मिशन नंबर 11, पुलिस और सेना में सिर्फ उच्च जाति के हिंदुओं की भर्ती की जाए। मिशन नंबर 12, संसद और न्यायालय में गायत्री मंत्र और पूजा पाठ अनिवार्य कर दिया जाए। मिशन नंबर 13, मुस्लिम औरतों का रेप करने और उनका कत्ल करने की कोई सजा नहीं होगी। ये है आरएसएस का वो मिशन 13 जिसे वो पिछले 90 सालों से लागू करने की कोशिश कर रहा है और अब बीजेपी सरकार आने के बाद इसका असर भी दिखने लगा है। आरएसएस एक ऐसे देश की कल्पना कर रहा है जिसमें दलितों और मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। सवाल तो ये है कि क्या आरएसएस इसमें कामयाब हो पाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि